शांतिपूर्ण ढंग से हुई जुमे की नमाज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत में शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे के दिन किसी तरह का कोई बवाल ना हो उसके लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या अन्य किसी जनपद से किसी भी तरह की बवाल की खबर नहीं है। बागपत जनपद पड़ोसी राज्य दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए एहतियात के तौर पर डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आए। डीएम और एसपी बागपत ने पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला और सभी लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की। वहीं जुमे की नमाज पढ़ने व इबादत करने के बाद सभी मुस्लिम लोग अपने अपने घर को लौट गए। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित था। पुलिस व खुफिया तंत्र अलर्ट नजर आए, जिनकी सभी सोशल साइट्स पर भी पैनी नजर रही। मस्जिदों के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस दौरान जनपद बागपत की फूंस वाली मस्जिद के शहर इमाम मौलाना आरिफुल हक ने भी किसी के बहकावे में न आने और अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कहते हुए कहा है कि दिल्ली में जो हुआ वो इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत सबसे ऊपर बढ़कर है। मौलाना साहब, हमारे पड़ोस में दिल्ली में अभी दंगा हुआ है, आज जुमे की नमाज है, प्रशासन अलर्ट मोड पे, बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, क्या अपील समाज को की गई है, अमन चैन का संदेश दिया गया है? हमने लोगों से यही अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह अफवाहों में ना आए, और जो पड़ोस में जो भी हुआ है उसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत सबसे ऊपर बढ़कर है। हम सब इंसानियत की इज्जत करते हैं, इंसान का एहतराम करते हैं, यही लोगों को समझाया भी गया है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को बढ़ाकर अपने मुल्क की हिफाजत करें और मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।